हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस फ्लावर पॉट को बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पॉट को बनाएंगे बैक स्टिच से, और इसके लिए मैंने धागे की 6 लेयर को लिया है। इस डंडी को बनाएंगे स्टेम स्टिच से, और इसके लिए मैंने धागे की 3 लेयर को लिया है। साटन स्टिच से स्लीव को बनाएंगे, और इसके लिए भी मैंने धागे की 3 लेयर को लिया है। साटन स्टिच से छोटे फूल और पत्तियों को बनाते हैं। एक एक करके सभी पत्तियों को बना लेंगे। इस डिज़ाइन को आप टी शर्ट या फिर बच्चों की ड्रेसेस के ऊपर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा ड्रेस के ऊपर बना हुआ। इस फ्लावर को बनाएंगे हम फ्रेंच नोट स्टिच से, और इसके लिए मैंने धागे की 6 लेयर को लिया है। सुई को ऊपर निकालेंगे, धागे को उल्टे हाथें पकड़कर सुई के ऊपर 2 से 3 बार लपेटकर और सुई को वहीं वापस नीचे ले जाना है। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा फ्रेंच नोट स्टिच, और इसे बनाते समय धागे को हल्के हाथ से छोड़ना है। इसी तरह सारे फ्लावर को बना लेंगे। अब यह फ्लावर पॉट बनकर के तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।